विद्यावारती संस्थान करौली द्वारा संचालित उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर हिंडौन में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हमने पहले क्या है, पिछली वीडियो में बाकी के बारे में पढ़ा था और उसमें मैंने आपको क्या है वाक्य के पढ़ने से पहले देखिए ध्वनि अक्षर वर्ण शब्द वाक्य और पद इनके बारे में भी तुम्हें सामान्य जानकारी बतलाई। उसके बाद में बाकी की अपन को परिभाषा भी मैंने तुम्हें दो परिभाषाएं बताई थी और अब अपन आज की वीडियो में क्या है बाकी के भेद पढ़ेंगे। अपन के पाठ्यक्रम में क्या है रचना के आधार पर क्या है बाकी के भेद बताए थे, उसमें भी मैं केवल नाम बता सकता था तुम्हें और रचना के आधार पर मैंने तुम्हें तीन भेद बताए। पहला इसका भेद है सरल या साधारण वाक्य, सरल या साधारण वाक्य, यही वाक्य बताया था नहीं। दूसरा इसका जो भेद है वह है संयुक्त वाक्य, कौन सा वाक्य हो गया संयुक्त वाक्य। और तीसरा होता है मिश्र या मिश्रित वाक्य। ये तीन प्रकार के अपन के क्या है भेद हैं जो किसके आधार पर हैं रचना के आधार। देखिए पहला बता रहा हूं तुम्हें सरल या साधारण वाक्य। देखिए सरल या साधारण वाक्य कहते किसके हैं इसको पढ़ने से पहले मैं तुम्हें क्या है वाक्य के अंगों के बारे में भी बता रहा हूं। इसको पढ़ेंगे उससे पहले अपन को किसके बारे में समझना पड़ेगा वाक्य के अंग, इनके बारे में भी मैं तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि कभी कभार प्रश्न अपन को यहां से भी आ जाता है। देखिए वाक्य के दो अंग होते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं वाक्य के दो अंग होते हैं, कितने अंग होते हैं दो। नंबर एक होता है उद्देश्य और दूसरे नंबर का जो होता है वह होता है विधेय। हम भले याद रखने के लिए भले कभी कभार मौखिक रूप से इसको अपन कर्ता कह देते हैं, ठीक है, और उद्देश्य को छोड़कर के बाकी के जो बचने वाला जो सेंटेंस होता है वाक्य होता है वह विधेय होता है जिसको क्रिया में विस्तार भी कह सकते हैं, क्रिया में क्रिया का विस्तार। देखिए व्याकरणिक भाषा में वाक्य के अंगों के दो भेद बताए, एक तो उद्देश्य है और दूसरा क्या है विधि। हम इनको सेम ऐसे ही बोलेंगे, उद्देश्य को उद्देश्य कहेंगे विधेय को विधेय कहेंगे। याद रखने के लिए भले हम अपने मन में रख लें कि इसको अपन कर्ता कह देते हैं, उद्देश्य कहते किसको देखे कर्ता उद्देश्य किसे कहेंगे अपन, परिभाषा बता रहा हूं। जब वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो कुछ भी कहा जाए या उसको क्या कह सकते हैं अपन बताया जाए, कहा जाए या बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं,
उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। देखिए दोबारा से, उद्देश्य कहेंगे किसको? जब फैक्ट में किसी व्यक्ति हो सकता है, कौन हो सकता है? व्यक्ति। और यदि व्यक्ति नहीं हुआ तो वह क्या हो सकती है? कोई वस्तु भी हो सकती है। तो जिसके बारे में या तो अपन कुछ कहेंगे और या क्या है, किसी को अपन बताएंगे, तो वह क्या कहलाएगा? उद्देश्य कहलाएगा। जैसे अपन उदाहरण के लिए समझे कैसे है, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, जैसे ये सेंटेंस अपन का वाक्य है। और इसमें अपन देखेंगे कि उद्देश्य क्या है। राम पुस्तक पढ़ता है, किसके बारे में बता रहे हैं अपन? राम के बारे में। और यही अपन की परिभाषा कह देंगे, जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में अपन या तो कुछ कहेंगे या बताएंगे। तो किसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर? राम के बारे में। तो राम अपने आप इसमें क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। राम इसमें क्या हो गया? उद्देश्य हो गया, क्योंकि इस वाक्य में अपन किसके बारे में बता रहे हैं? राम के बारे में। और यही परिभाषा अपन भी कह रही है, जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में अपन कुछ कहेंगे, बताएंगे, समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो वह क्या कहलाएगा? उद्देश्य कहलाएगा। तो राम इसमें क्या हो गया? इसमें उद्देश्य हो गया। आगे देखिए, देखिए वैसे अपन जो बैक होता है ना, बैक के अपन दो टुकड़े कर सकते हैं। बैक के वैसे मूल रूप से कितने टुकड़े होते हैं? दो। देखिए दो टुकड़े कौन से होते हैं? एक तो होता है उद्देश्य और दूसरा होता है इसके बाद में प्लस करके विधेय। इन दोनों से मिलकर के जो बनता है वह भी वाक्य की उत्पत्ति होती है। वह भी किसकी उत्पत्ति होती है? वाक्य की। तो राम, राम को अपन को पता चल गया ये इसमें क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। और पुस्तक पढ़ता है ये पूरा का पूरा क्या हो गया? इसमें विधेय हो गया। ये क्या हो गया? इसमें विधेय बन गया है। ऐसे अपन कह सकते हैं और भी इसका आगे बढ़ सकता है, जैसे कि उद्देश्य का विस्तार, सभी के विस्तार होते हैं, जैसे कि उद्देश्य का विस्तार हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया कर्म व कर्म का विस्तार हो गया, ठीक है। और तीसरा है क्रिया क्रिया का विस्तार, ऐसे भी अपन इसको लिख सकते हैं। यदि मैं चाहता जैसे कि इसके आगे में शब्द जोड़ दिया तुमने, लक्ष्मण के भाई, लक्ष्मण के भाई राम पुस्तक, लक्ष्मण का भाई राम पुस्तक पढ़ता है, ये हो जाता। जैसे जैसे कि बैक क्या बन जाता? लक्ष्मण का भाई राम पुस्तक पढ़ता है। तो ये जो लक्ष्मण का जो भाई है, लक्ष्मण का जो भाई है नहीं, वह उद्देश्य का क्या कहलाता? विस्तार कहलाता। क्या कहलाता इसमें? उद्देश्य का विस्तार। और राम इसमें क्या हो जाता? केवल ओनली क्या हो जाता? उद्देश्य, ठीक है। इसके आगे उद्देश्य आगे जो जो भी अपन जोड़ेंगे वो पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? उद्देश्य का विस्तार कहलाएगा। और जो मूल उसमें करता है मूल रूप से वह क्या कहलाएगा? उद्देश्य कहलाएगा। और बाकी का बचा हुआ है वह क्या कहलाएगा? विधेय। विधेय में आगे टुकड़े कर देंगे, जैसे एक पुस्तक इसमें कर्म है, पढ़ता है वह इसमें क्रिया है, तो पुस्तक से आगे जो शब्द जुड़ेगा वह क्या कहलाएगा? कर्म का विस्तार। क्या कहलाएगा? कर्म का विस्तार।
जैसे कि इस वाक्य में कर्म क्या है, कर्म क्या है, पुस्तक, और पुस्तक के आगे जो भी होता वह क्या कहलाता, कर्म का आविष्कार कहलाता। ऐसे ही पढ़ता है यह क्या है, क्रिया, और क्रिया से आगे भी यदि कोई जोड़ता तो वह क्या कहलाता, क्रिया का विस्तार कहलाता। लेकिन इन सभी से यह अपन निष्कर्ष निकालते हैं कि अधिकतम अपन वाक्य के टुकड़े दो कर सकते हैं, दो भेद होते हैं, दो टुकड़े होते हैं, एक तो मूल होता है, उपदेश होता है, और दूसरा होता है इसमें क्या है, विधेय होता है, दो होते हैं। अब देखिए सब आगे विधेय के बारे में सुनिए, विधि क्या होता है, ये तो उद्देश्य के बारे में मैंने तुम्हें बताया था। विधि में अपन को थोड़ा सा परिवर्तन करना है, कोई परिभाषा में ज्यादा कोई खास अंतर नहीं है। देखिए अंतर क्या है, जब उद्देश्य की, जब वाक्य में उद्देश्य के विषय में, उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए या बताया जाए, जो कुछ भी कहा जाए या बताया जाए उसे विधेय कहते हैं, उसे विधेय कहते हैं। ठीक है सर, देखिए अपन ने इसमें क्या पढ़ा था, जब वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो कुछ भी कहा जाए या बताया जाए, हमने उस व्यक्ति और वस्तु के स्थान पर क्या कर दिया है, उद्देश्य के विषय में, किसके विषय में, यहाँ तो व्यक्ति और वस्तु के विषय था, और यहाँ पर केवल कितना अंतर किया है, उद्देश्य के विषय। उद्देश्य को छोड़कर के जो भी अपन बताएंगे उसमें वह पूरा का पूरा क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है। तो आज अपन ने क्या है, रचना के आधार वाक्य के भेदों के बारे में सुना है और उसके अंगों के बारे में बताया है। अगली वीडियो में क्या है, अपन उनके भेदों के बारे में पढ़ेंगे।